हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। जिस तरीके से रेजोनेंस पेपर में 3 नंबर में आता है, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन भी पेपर में 3 नंबर में आता है। इस बात की गारंटी है, अगर जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते रहोगे तो मौज काट दोगे। भैया सुनो, हाइपर कंजुगेशन को हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहते हैं? अति संयुग्मन कहते हैं। भैया जैसे आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, जो लोग डे वन से देख रहे हो, रेजोनेंस क्या होता था, हमने कहा कि अगर आपको किसी के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए, अपनी बहन की शादी करना जा रहा हो, कोई लड़का है, उस लड़के को भैया इधर से भी देखोगे, हर तरीके से देखोगे और पता भी करोगे पुड़िया खाता है कि नहीं खाता है, लोन है तो नहीं है, यानी दुनिया भर की बातें आप पता करोगे। तो हाइपर कंजुगेशन भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। रेजोनेंस क्या होता था? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना रेजोनेंस कहलाता है। वैसे ही एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। सर जी, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है, उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते थे वो हटते नहीं थे, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता था। कैसे? कि अगर बाय चांस ये हमने बना दिया ऐसे करके, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर बॉन्ड यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, तो उसमें बॉन्ड बाकी हट जाते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट जाते, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो सिग्मा स्केलेटन था, यानी जो सिंगल बॉन्ड थे, वो अपनी जगह से नहीं हटते थे भाई, ठीक है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में ऐसा नहीं है। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड भी इधर उधर हो जाएंगे भाई। दूसरी बात, इसमें एक बॉन्ड हमेशा कम होगा। कैसे होगा? आइए आपको समझाते हैं भाई, जरा ध्यान से देखो। हमने लिखा हाइपर कंजुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस ही होता है। ये भी रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस का मतलब ये भी वही है, अनुनाद बोलते हैं हिंदी में, कि अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना बना के प्रयोग करेंगे। रेजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते थे, लेकिन यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं भाई। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है। अब ये इसकी खासियत है भाई, कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, अभी हम आपको समझाएंगे। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देंगे, क्योंकि जब कभी हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे वहां पर एक बॉन्ड कम होगा ही नहीं, तो हम लोग कह देंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कह देंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल। भाई एथिल कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, पहले तो यह समझाना पड़ेगा। एथिल का मतलब है भैया C2H5, ठीक। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब एक यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, अगली यूनिट में हम आपको सिखाएंगे फ्री रेडिकल क्या होता है, लेकिन अभी शॉर्ट में बताते हैं। सुनो, कभी क्या रहा होगा, मान लिया C2H5 ने बॉन्ड बनाया होगा Cl के साथ, मान ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब जब किसी के साथ भी बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, साझेदारी वाला बॉन्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा। तो जब भैया दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो साझेदारी होती है। अब साझेदारी टूटने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये गुंडागर्दी करें, नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, जाओ जो कर पाओ कर लो जाके, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह होता है, भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हम अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहे, दोनों लोग अलग हुए जा रहे, सीधी सी बात है। तो जब दूसरा तरीका अपनाया जाता है, कि मान लिया क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो यह कहलाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ है। और यह C2H5 में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो C2H5 मतलब एथिल, तो ये कहलाएंगे एथिल फ्री रेडिकल भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल ले लिया कि भैया एथिल कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जांपल है। देखो भाई, C2H5 क्या है? एथिल। अभी आपको बताया C2H5 क्या है? एथिल। तो एक कार्बन, दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, और एक इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया ये क्या है, मेथिल एथिल, दो कार्बन है तो एथिल है और एक इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एथिल फ्री रेडिकल हैं। अब इसके अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेंगे, जरा देखना भाई। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कार्बन क्या हुआ भैया, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसका दिमाग खराब हो गया। हाइड्रोजन बोला ऐसा है, हम जा रहे हैं, हमें नहीं मतलब है कुछ भी, हमें अपना इलेक्ट्रॉन वापस करो। अब देखो होगा क्या, इस जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटा तो इनने अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो किनारे हो लिए, इनके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन बचा तो इनने कहा यार तुम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, आओ हम लोग बॉन्ड बना लें, जो जा रहा है उसे जाने दो। इनने क्या किया, इसे जाने दिया। ये देखो इनने क्या किया,
इसे जाने दिया, बोले जाओ तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। ये बॉन्ड तोड़ा, इनका इलेक्ट्रॉन इन्हें देके हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग कर दिया, जो इनके पास कार्बन बचा था ये इनका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने साझेदारी बना ली और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इसीलिए देखो मेरे भाई ये हाइड्रोजन अलग हो गया है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया है, अलग हो गया है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया है। एक एक करके सबको हटा देंगे, मान लिया देखो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ये अलग है, बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और कैसे बन सकता है, मान लिया आपकी इनकी जगह इन्हें हटा दो, बात वही है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ये फिर से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखो मेरे भाई ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग है, इन लोगों ने फिर से बॉन्ड बना लिया। तीसरा विकल्प क्या है मेरे भाई, इन्हें अलग कर दो, जब इन्हें अलग करोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से एक बॉन्ड की कमी रहती है, एक ही स्ट्रक्चर है कई तरीके से बना हुआ है, इसीलिए से क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस कह रहे हैं, बॉन्ड की कमी है इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस कह रहे हैं। सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, वो भी सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है भाई, यही इन दोनों में फर्क है। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा, हमने डिटेल में समझा दिया है भाई, ठीक है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री में ये क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ोगे तो मजा काट देंगे। कल संडे है, इन सब के नोट्स बैठ के डलवा देंगे, टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री चैनल है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, BDKDN BSC सर्च कर लेना, वहां पर इनकी सारी PDF कल कोशिश करके डलवा देते हैं भाई, ठीक है। रह गई फिजिक्स की बात, उसे भी कल से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो उसे भी मन लगा के पढ़ो। केबल एनालिसिस कर दी थी हमने 15 दिन पहले, लोग कहते सर जी वीडियो आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अब लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।